हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपने दो वीडियोस देखे हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम और डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इज इक्वल डिविजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूले पे आपने पूरा एक लेक्चर पढ़ा था जो करीब 20 मिनट का था। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा था टू फाइंड एचसीएफ बाय इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम और इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम के इस फॉर्म में a इज इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में। और आपने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में और मैंने ये बताया था कि सिर्फ इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने SCF और LCM दोनों निकालना सा जान लिया था। ठीक है बच्चों, मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी चीज अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है किसी भी रेशनल नंबर के, जैसे 289385, तो इन दोनों का SCF निकाल लीजिए और फिर जो SCF आए उसके उसी से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इंट्रो था। आज भी हम लोग सिर्फ इतने ही टॉपिक पर बात आज फिर से करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, उस पर भी सिर्फ इसी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। इस बार थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग अपना पहला ये लेक्चर कुछ इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि कमेंट में आ रहे थे कि क्वेश्चन थोड़ा और हो जाए, तो इसीलिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म इज सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 and 6q plus 3 for some integer q, so that every positive even and odd integer is in the form of 6q plus 1 and 6q plus 3 for some integer q। मैंने इस तरह के क्वेश्चन पार्ट 2 में पढ़ाया था। जो बच्चे सॉल्व कर सकें पॉज करके सॉल्व कर लें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, सॉल्व हो गया, जो जो लगा सकते हैं लगा लें, बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो बच्चों पॉज करके सॉल्व कर लें। सॉल्व हो गया, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पूछा क्या है, मतलब हमको शो करना है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q 6q+1 एंड 6q+3 फॉर सम इंटीजर q। तो हमने बताया था इक्लूड्स ने जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से इक्लूड्स डिवीजन फॉर्मूले के हिसाब से a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पर ए क्या होता था डिविडेंड होता था ना, बी क्या होता था क्वोटेंट नहीं डिविजर होता था, क्यू क्या होता था क्वोटेंट होता था, आर क्या होता था रिमाइंडर होता है, ये आपको पता है, बता चुका है। तो अगले नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते थे, लेट ए इज द पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए इज द पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसको थोड़ा वो कर दिए, उसके बाद करते थे लेट ए इज द पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद करते थे नाउ
8 डिवाइडेड बाई जो नंबर याद रहता था 6 6 6, उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। नाउ 8 डिवाइडेड बाई 6 वेयर q इज quotient एंड r इज रिमाइंडर। u इज quotient एंड r इज रिमाइंडर। सो बच्चों फिर इसको हम इस तरीके से लिखते थे, a इज इक्वल टू 6q + r, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड लेस देन 6। सो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यहां पे हमको क्या प्रूव करना है, सिर्फ एक 6q की वैल्यू प्रूव करना है, एक 1 की वैल्यू प्रूव करना है, एक और 3 की वैल्यू करना है। तो हमको यहां वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब टोटल 6 वैल्यूज मिलेगी, लेकिन हमको सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी हमको चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए और 3 चाहिए सिर्फ। तो इसको लिखेंगे a is equal to 6q plus r where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। सो बच्चों को यहाँ जरूरत क्या है, हमको प्रूव करना है 6q, 6q plus 1 and 6q plus 3, तो सिर्फ 3 वैल्यू ले लेंगे जिससे जिससे ये प्रूफ होगा, 0, 1 and 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में r इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q। अगली वैल्यू क्या करेंगे, नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, मैं सॉरी 1 ही रहेगा, सो वी गेट a इज इक्वल टू 6q + 1, r की जगह 1 रखेंगे तो 6q + 1। एंड नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 3 वी गेट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q + 3। सो हमको अपनी तीनों वैल्यू मिल गई जो यहां पर गिवन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 6q क्या डिनोट कर रहा है, इवन, और 6q + 1 एंड 6q + 3 क्या दिखा रहा है, ऑड, ये भी ऑड हमको शो कर रहा है। सो हमको प्रूव क्या करना था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q 6q+1 एंड 6q+3 और सम इंटीजर क्यू। सो हमको इवन मिल गया अपना और दोनों मिल गया, सो क्वेश्चन इज प्रूफ। सो हम यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, आप यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट अपना लिख लीजिएगा, सो क्वेश्चन इज प्रूफ, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर ले, मिटाने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर ले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, एक और इसी की तरह क्वेश्चन कराते हैं इसका, इसके बाद कुछ होमवर्क देते हैं आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9q + 1। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, सो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 7q + 1,
एक क्वेश्चन इसी तरह और सॉल्व कर लेते हैं। वैसे आप लोगों ने सॉल्व किया है, फिर भी सॉल्व करा लेते हैं। जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं नोट कर, पॉज करके नोट करें, सॉल्व करें, ठीक है बच्चों? सो मैं सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से होगा जैसे पहले क्वेश्चन हुआ था, लेकिन वहां आपको दो इवन और ऑड दोनों प्रूव करने थे, बल्कि यहाँ हमको सिर्फ एक ही प्रूव करना है जो कि है ऑड। सो हम बात करेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लॉ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लॉ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों? आपको यहां पता है A क्या है, A यहां पे डिविडेंड है, B क्या है डिविडेंड है, A क्या है डिविडेंड है, B क्या है डिविजन है, Q क्या है क्वोटेंट है, और R क्या है रिमाइंडर है, ठीक है बच्चों? So by Euclid's division law A is equal to BQ plus R। फिर उसी तरीके से करेंगे, let let A is the positive, let A is the positive integer, now A divided by कौन सा नंबर यहां दिया है 7, now A divided by 7 where Q is quotient, where Q is quotient and R is remainder, remainder, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहां पे उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, लेट A इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड नाउ A डिवाइडेड बाय 7 वेयर Q इज quotient एंड R इज remainder। इस तरीके से सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 7 Q प्लस आर, और यहां पे एक वैल्यू आएगी वेयर जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन, कौन सी वैल्यू आएगी 7। सो हमको यहां सिर्फ वन वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ यहां पे हम आर इज इक्वल टू 1 लेंगे। सो ये होगा ए इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 6 तक वैल्यू जाएगी। हमको सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए 1, तो सिर्फ हम 1 लेंगे और इसको प्रूव करते चलेंगे। सो नाउ नाउ क्या करेंगे हम, A इज इक्वल टू आर है, A इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस आर है, दिख रहा है बच्चों? नोट कर लीजिए इतना, आगे चलते हैं। A इज इक्वल टू 7 क्यू प्लस आर है, तो A इज इक्वल टू ना लिखते हैं पहले, नाउ पुटिंग Now putting R is equal to 1, we get R की जगह यहाँ 1 put करिए, A is equal to 7 Q plus 1। ये आपका odd में ही रहेगा, क्योंकि आप कोई भी number multiply या divide करेंगे plus 1 कर नहीं देंगे, वो अपने आप odd बन जाएगा, ये सब आपको पता है। So our question is proved। So बच्चों नोट करिए इसको सॉल्व करके, नोट कर लीजिए, मैं जा रहा हूं टाइम है, जिन्होंने नहीं नोट किया पॉज करके नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब बात करते हैं थोड़ा इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में एससीएफ फाइंड करने का। एससीएफ फाइंड करना हमको पता है कैसे याद तक करते हैं, चलिए तब भी एक बार सॉल्व करते हैं। आज डिवीजन क्लास वैसे भी चल रही है पहले दो लेक्चर की, तो ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एससीएफ ऑफ 4400 एंड बाय यूक्लिड्स। फिर से स्टूडेंट्स आपका स्वागत है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। सो हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द एससीएफ ऑफ 4400 एंड 250 बाय यूक्लिड्स। इक्लूड्स के फॉर्म से हमको फाइंड करना है एलसीएफ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको बताया था दो तरीके या तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, और एक इक्लूड्स मेथड होता है। इक्लूड्स मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड का पूरा डिटेल में होता है, बस इतना ही फर्क होता है। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, 250
4400, तो कितनी बार जाएगा? फर्स्ट टाइम में वन टाइम, कितना बचेगा वैल्यू? यहां बचेगा 0, 14 माइनस 5 9 और यहां पे 9, 190 बचा। अब ये 250 से फिर से डिवाइड होगा, फिर वन टाइम जाएगा, ये बचेगा 60, अभी 190 में जाएगा तो 763 या 180, और ये हो जाएगा आपका 10 और 60 बचेगा, तो यहां 10 6 60 आपका एचसीएफ आया 10। ये क्या है बच्चों? ये है आपका डिवीजन मेथड, ये आपका है डिवीजन मेथड। अब बस इसी का डिटेल स्टडी क्या है? इक्लिप्स मेथड है, तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सो बाय यूक्लिड्स मेथड फर्स्ट स्टेप में ए क्या है यहां पे 4400, बी क्या है 250 है, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 4400 जो कि डिविडेंड है, जो कि क्या है डिविडेंड है, और बी क्या है यहां पे 250 है जो कि क्या है डिविजर है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसको, इस तरह से लिखते हैं, तो 4400 250 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4400 में तक जाएगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10 टाइम जाएगा 2500। ठीक है बच्चों, 2500 5 लगभग ये जाएगा 18 टाइम मे बी, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 250 80, 18 1 0 18 5 90, 18 2 16 9 2500, क्या आ गया है? गलती हो गई, माफ करिएगा, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया जो भी करना नहीं चाहिए। 18 से चलिए 0 8 4 8 5 40 8 2 16 2000, ये 0 5 2 0 0 5 4500 होता है बच्चों, मतलब हमको इसको ले जाना है 17 टाइम, तो 17 टाइम जाएगा, 17 टाइम ले जाएंगे, कितने बार जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 7 5 35 7 2 43 70 750, फिर भाई 0 5 2 मल्टीप्लाई, तो आप जानते हैं 250 150, 0 5 7 5 12, 2 3 4 4250। ठीक है, यहां 17 टाइम ले जाएंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे 4400 में, 250 है 150, 150 जाएगा बच्चों रिमाइंडर। ठीक है, नाउ अगेन ये स्टेप फर्स्ट था, नाउ अगेन 250 डिवाइडेड बाई 150 वी गेट 3, तो 250 इज इक्वल टू 150 1 + 100, पता चल गया, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अगेन फिर भाई स्टेप लिखेंगे, आएगा नाउ अगेन 150 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 वी गेट हो गया, तो 100 150 इक्वल टू 100 1 + 100 + 50। ठीक है बच्चों, 50 अब यहां फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं 100 को 50 × 2 + 0, आपका रिमाइंडर क्या आया, मतलब एचसीएफ आया आपका 50, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पे, क्वेश्चन यही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद थोड़ा और चलते हैं हम लोग, पॉज करके नोट कर ले, नहीं तो पीछे जाकर नोट कर ले, ये सब आपने पढ़ चुका है, आसान चीज है, जो मुझे बताना था पहले दो क्वेश्चन में वो हो गया इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 250 इसको ले लेते हैं 40, सो बाय इक्लिप्स प्लीज सॉल्व, बाय यूक्लिड्स वी गेट
फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 250 है, b इज इक्वल टू क्या है 40 है, a क्या है यहाँ पे डिविडेंड है, a क्या है यहाँ पे डिविडेंड है और b क्या है डिवीजर है, डिवीजर है ना बच्चों, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है भाई यूक्लिड्स, आपको पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड्स, जो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जो 250 इज इक्वल टू 40, 40 से क्या मल्टीप्लाई करी आएगा 40 छक्का 240 प्लस 0 नहीं सॉरी 10, अब बचा करते हैं यहाँ पे अगेन कर देंगे अगेन 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है बच्चों, तो आपका एलसीएम आ गया 10 एंड सॉल्व। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में अच्छे से दिए हुए हैं, आप सब उसको देखिए सॉल्व करिए, एक दो क्वेश्चन आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड पे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड पे, ठीक है बच्चों सॉल्व करिएगा इसको। एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन पे करते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1000 एंड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1115 बच्चों, ठीक है बच्चों सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आ जाएगा 1000 और 115 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ये 2 टाइम जाएगा 500, ये 2 टाइम जाएगा 2550, ये 2 टाइम जाएगा 125, 5 टाइम जाएगा 25, 55 जाएगा 55, यहाँ पर 1, ठीक है बच्चों 150 का करते हैं 3 3 9 9, 5 टाइम पे डायरेक्ट जाएगा 2 और कितना बचेगा 5 2 10 1 बचेगा 5 3 23, ये बचा आपका सिर्फ 1, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 1000 की कितनी आई है 2 2 2 2 2 5 5 5 5 और यहाँ पे 115 का 5 into 123, तो इसका एचसीएफ सीधा सीधा दिख रहा है, एक कॉमन यहाँ एक कॉमन यहाँ है, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 5, ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 8 8 5 4 40 45 45 200 200 into 23 200 into 23 460 460 सही जाएगा, 5 25 25 50 50 200 200 into 23 0 0 3 2 6 0 0 4 आएगा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो एलसीएम आपका आ गया 4600, आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बच्चों ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों आसान है ना, सॉल्व करिए इसको। सो बच्चों वो क्वेश्चन आपने नोट कर नहीं किया होगा तो बैंक जाके आप लोग नोट कर लीजिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बस, इसको आपको सॉल्व करना है, इतना करिए ये होमवर्क है आपका, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है इक्लिप्स डिवीजन फॉर्म का, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। दूसरा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है इक्लिप्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएफ फाइंड करना है बाय इक्लिप्स मेथड से। चौथा फॉर्मूला है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर के वाले क्वेश्चन का है, जो पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर ग्रुप हो जाए तो, ठीक है बच्चों। बाकी आपने पढ़ा था, मैंने एक क्वेश्चन इसमें अभी नहीं डाला है, अभी आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करना है। सो यहाँ पे आज मैं इक्लिप्स एल्गोरिथम टॉपिक खत्म करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बाय एचसीएफ एंड एलसीएम मेथड से, हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेंगे, बाकी ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए एंड बाकी आपको पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।